हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो अभी मैं खड़ा हूँ सुल्तान की बुलिया के पास और अबू लाला के दरगाह के बीच में। ये मूर्तियों का स्टोर है जहाँ मूर्ति मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कुछ त्यौहार आने वाले हैं जैसे कि गणेश चतुर्थी, नवरात्रि। तो उनके लिए जो माता रानी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति आपको चाहिए होती है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ भैया से और रेट वगैरह दिखाते हैं जब तक आप मूर्ति देख। नाम पहले बता दीजिए। धनाराम। और कुछ मूर्तियों की मतलब सबसे कम रेट की कौन सी मूर्ति है? सबसे बड़ी मूर्ति 4000 से कम नहीं मिलेगी। 4000 से कम नहीं मिलेगी बड़ी मूर्ति? हाँ, 9 फुट की। वो कौन सी मूर्ति है, कुछ देखने को मिल जाएगी क्या? वो अभी लाऊंगा मैं। अच्छा, लाएंगे। 9 फुट की 4000 से कम नहीं मिलेगी। अच्छा, और सबसे छोटी मूर्ति अगर 200 रुपए की मिले? सबसे छोटी मूर्ति ये रखिए सामने, ये ये अपने को 200 रुपए की मूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ से आप 200 रुपए की मूर्ति ले सकते हैं। ये वाली है? ये नहीं है वो? नहीं, वो ही है। ये वाली है। इस साइज में आपको 200 रुपए की मूर्ति यहाँ से मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा है और प्यारा भी है। अमा बाबा भी आए दर्शन करने आए। देखो तो वो ऐसे पावन अवसर पर बाबा भी आए और मूर्तियों के दर्शन भी हैं करेंगे और जो सेवा होगी वो बनेगी। और ये जो मूर्ति रखी है इनका कुछ का रेट बता दो भाई जरा। ये वाला मूर्ति है, इसकी रेट तो 8000 से कम नहीं है। ये 8000 की है? ये नया मॉडल में खड़िया मिट्टी में, ये खड़िया मिट्टी में मतलब आराम से गल जाएगा जे। हाँ, ये गल जाएगी। ये कितने का है? 9000 रुपये का। तो आप ये मूर्ति देखिए और जरा कुछ छोटी बड़ी और भी। हाँ, ये भी देखो, ये भी बड़ा प्यारा। ये छोटी है, ये मट्टी की है। देखो ये निकालना, ये मिट्टी की है। ये एक छोटा सा पीस निकाला भैया ने। ये किस रेंज में है भैया? ये 400 रुपए का। ये 400 रुपए का मतलब इसकी क्या खासियत क्या है? ये मट्टी का है, मतलब आराम से गल जाएगी। ये पीओपी की नहीं है जो गले में दिक्कत देती है जो। ये पीओपी की है। ये पीओपी की है। ये 300 रुपए का पीस है ये वाला। ये 300 रुपए का है। ये फिराची कलर है, इसमें कलर अलग है। पानी होनी है पक्का वाला, पानी वाला गले एकदम उतर जाए वो वाला है, पक्का वाला कलर नहीं है। तो ये एक मूर्ति मैंने देखी, बहुत ही प्यारी मूर्ति है। और यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ भी मिलेंगी। तो ये त्यौहार वैसे साल में एक ही बार आता है तो इनके पास भरपूर कलेक्शन है। तो आप यहाँ से आके परचेज कर सकते हैं और मैं भैया से बात करता हूँ बार्गेनिंग की। अगर कुछ, अगर वीडियो देख के आते हो आप तो कुछ कम करेंगे या नहीं करेंगे? ये बम्बई वाला है, देखो बाबली बम्बई वाला। ये बॉम्बे वाले पापा जी हैं। क्या
भैया एक सवाल था, अगर ये वीडियो देख के अगर कोई आपके पास आता है कि मैं वीडियो देख के आता हूँ, तो कुछ पैसे अगर कम करोगे आप? कम बढ़ती तो हो जाएगा, एकदम थोड़ी होगा, मुँह मांगे मौत थोड़ी मिल जाएगी है। नहीं नहीं, तो वही है कि लोग देख के आते हैं कि भाई हम वीडियो देख के आए हैं, दो पैसे या सम्मान वो तो हो जाए, कम बढ़ती हो जाता, मुँह मांगे तो दाम तो कोई देता नहीं है। जैसे कि भैया ने बताया, तो आप यहाँ पर 2 से 3 दुकान है और ये सब इन्हीं की हैं? तो ये यहाँ पर 2-3 दुकानें लगातार लगी हुई हैं, तो आप किसी भी दुकान से, सभी की रेट बहुत ही बढ़िया थी, मैंने बात की थी। तो बच्चे बड़े प्यार से फोटो खिंचा रहे हैं। देखिए छोटे 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 बच्चे कलाकारी करते हुए, तो बहुत ही प्यार से और मन से मूर्तियां बनती है यहाँ पर। तो आप आइए यहाँ से, परचेज कीजिए मूर्ति, और जैसे कि बताया था मैंने आपको, जो रेट बताएंगे उससे कुछ कम भी होगा, और बात भी जैसे मैंने कर दी थी भैया से। तो आप देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने ज़्यादा मेहनत करते हैं, प्यार से मूर्तियाँ बनाते हैं अपने लिए। जैसे कि सीजन में आप यहाँ से मूर्तियाँ ले सकते हैं, और रेट बहुत ही कम थी, रीजनेबल रेट थी, यहाँ पे आके आप शॉप परचेज कर सकते हैं। और छोटे छोटे बच्चों की यहाँ पे मेहनत लगती है, तो उनको वाजिब दाम भी मिलने चाहिए, और बहुत ज़्यादा रेट नहीं थी। तो कैसा लगा वीडियो आज कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।